गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक गांव था, उस गांव के अंदर एक अमरपाल था और एक समरपाल था। अमरपाल गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कॉलेज के अंदर इंग्लिश में एमए कर रहा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी इंग्लिश बोलता नहीं था। उसी गांव के अंदर एक समरपाल था। समरपाल को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन वो हर वक्त बोलने की कोशिश करता था या फिर बोलता रहता था। समरपाल का प्रॉब्लम ये था कि उसको कोई मिलता नहीं था जिससे वो जाकर के अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर सके, तो वो किसी भी इंसान के पास में जाता और अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देता। इनफैक्ट गांव के कई लोग उसको बहुत बड़ा ज्ञाता मानने लगे थे कि वो इंग्लिश में बात करता, क्योंकि गाँव वालों को तो समझ में आता नहीं था। लेकिन अमरपाल जो है, जो कि एमए में इंग्लिश कर रहा था, अमरपाल को पता था कि ये इंसान टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, और अमरपाल मन ही मन कई बार उस पर हंसा भी करता था। लेकिन समरपाल को भी ये पता था कि अमरपाल को इंग्लिश आती है, तो समरपाल बार बार बहाने खोजता कि वो अमरपाल के पास में जाए और अमरपाल के पास में जाकर के अमरपाल से इंग्लिश में बात करे ताकि उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। लेकिन अमरपाल उससे कन्नी काटने की कोशिश करता। यू नो, गांव में कोई भी अगर फंक्शन होता, सपोज कोई मुंडन है, शादी है, कोई और अगर फंक्शन है, तो समरपाल हमेशा ट्राई करता कि वो अमरपाल के पास में जाए, उसको खोजे, उसके साथ में बैठे और उसके साथ में अंग्रेजी में बात करे। लेकिन अमरपाल को बहुत इरिटेटिंग और एम्बेरेसिंग लगता था कि ये आदमी ऐसा कैसा है, ये ऐसे कैसे ये टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता है। तो समरपाल को तो बोलने की आदत थी, वो अमरपाल को खोजता रहता और उसके पास जाके अंग्रेजी बोलता रहता। अमरपाल ने कई बार उसको डांटा भी, धमकाया भी कि भाई तू मेरे पीछे मत रहा कर, लेकिन समरपाल ना सुनता। इनफैक्ट एक बार अमरपाल अपने कॉलेज के अंदर था, तो समरपाल उसके कॉलेज में भी चला गया और इनफैक्ट रेगुलरली जाने लगा। वहाँ उसको ढूंढ ढूंढ करके उसके साथ अंग्रेजी में बात करने लगता। तो अमरपाल अपने ही कॉलेज में कभी किसी झाड़ियों में छुपता, कभी लाइब्रेरी के पीछे जा, कभी कैंटीन के पीछे जाके छुपता, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो छुपने की कोशिश करता ताकि वो समरपाल से पीछा छुटा सके और एम्बेरेस होने से बच जाए। लेकिन समरपाल तो ये काम करने लगा और करता रहता। दोस्तों, अमरपाल का ये मानना था कि परफेक्शन में ही सब कुछ है और परफेक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और समरपाल का ये मानना था कि यार जो भी आता है, जितना भी आता है कर डालो। और वो करने के बाद में पता क्या बोलता था, एक शब्द हमेशा समरपाल बोलता था कि लो हो गया ना। और अमरपाल क्या बोलता था, परफेक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। समरपाल बोलता लो हो गया ना, अमरपाल बोलता कुछ नहीं हो सकता। तभी उस गांव के अंदर एक मास्टर जी आए और उन मास्टर जी को पता चला कि इस गांव के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, एक अमरपाल है, एक समरपाल है, अमरपाल जो कि एमए इंग्लिश कर रहा है मगर बोलता नहीं है, समरपाल है जिसको पता नहीं है लेकिन बोलता रहता है। तो वो समरपाल से मास्टर जी मिलने के लिए गए और उन्होंने समरपाल से पूछा कि हाउ डू यू मैनेज, आप कैसे मैनेज करते हो। और समरपाल की थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश सुनते ही मास्टर जी को ये समझ में आ गया कि इसकी इंग्लिश की क्या हालत है। तो समरपाल से उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हें एम्बेरेसमेंट का डर नहीं लगता, तुम ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, सब लोग हो सकता आप पे हंस जाएं, मजाक बना दें। तो समरपाल बोलता है कि सर जी बहुत ईजी है। समरपाल उनको बताता है कि देखिए, ये जो भैंसें हैं इस तालाब में जा रही हैं, इतनी सारी भैंसें हैं तालाब के अंदर जा रही हैं, इसको अगर मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसान है, मैं अभी कर देता हूँ आपको। तो मास्टर जी बोलते हैं अच्छा करके बता दो ज़रा। तो समरपाल बोलता है भैंसें आर गोइंग इन द तालाब। तभी मास्टर जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, भाई तुम्हारी अंग्रेजी तो बड़ी खतरनाक है। लेकिन जैसे ही मास्टर जी हंसने लगते हैं, एक बहुत ही अद्भुत घटना, एक अमेजिंग घटना होती है कि बाजू के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चा क्योंकि स्कूल जाने वाला था, वो बच्चा उसको करेक्ट करता है कि समरपाल जी ये तालाब नहीं, इसको पौंड बोलते हैं। और समरपाल तुरंत बोल देता है भैंसें आर गोइंग इन द पौंड। समरपाल एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन वहाँ पे मास्टर जी को दे देता है। बोले देखिए मास्टर जी, जिंदगी में पहल करनी बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, अगर मैं पहल ही नहीं करता तो कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा आकर के मुझे नहीं बताने वाला था कि तालाब को पौंड कहते हैं।
दोस्तों जिंदगी में पहल करना बहुत जरूरी है, परफेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए, जिंदगी में पहल हमें करनी बहुत जरूरी है। हमें अपने क्वेश्चंस इस यूनिवर्स में छोड़ देने की जरूरत है, इंटेंशन को इस यूनिवर्स में छोड़ देने की जरूरत है, अपने आप रिसोर्सेस, अपने आप कुछ लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहल ही नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में वही अटके रह जाएंगे जहाँ पे आप अटके हैं। इस छोटे से समरपाल ने एक इतनी बढ़िया, एक गाँव के समरपाल ने इतनी बढ़िया हमें एक लेसन दे दिया कि परफेक्शन का वेट मत करो, जस्ट पहल करो, अपने क्वेश्चंस को, अपने सवालों को इस यूनिवर्स में छोड़ दो, अपनी इंटेंशन को इस यूनिवर्स में छोड़ दो, पहला एक्शन ले लो, यूनिवर्स विल अरेंज सम रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट पीपल विल कम, पीपल विल अपीयर टू हेल्प यू। लेकिन आप पहल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस कहानी को मैं फास्ट फॉरवर्ड ले जाता हूँ और कई सालों के बाद की बात बताता हूँ कि समरपाल एक बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी पे लगा, वो देश विदेश भ्रमण कर चुका है, उसके बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं इसके विपरीत अमरपाल आज भी उस गांव के अंदर रहता है, आज भी वो एवरेज और साधारण जिंदगी जी रहा है। दोस्तों हम सबके अंदर वो परफेक्शनिस्ट को ढूंढने वाला, वो परफेक्शन को ढूंढने वाला अमरपाल भी मौजूद है और वो समरपाल भी मौजूद है जो कहता है लो हो गया ना। समरपाल को अपने अंदर जीवित कीजिए, अमरपाल को हैंडल करना सीख लीजिए और समरपाल को एक्सप्रेस करना सीख लीजिए। जिस दिन आप ये करने लगेंगे आप देखेंगे कि परफेक्शन का इंतज़ार करते करते आपके सपने कभी भी दम नहीं तोड़ेंगे। तो समरपाल को जीवित कीजिए और एक्शन ले लीजिए और बोल दीजिए ना मन में करके लो हो गया ना, और देखिएगा ये इतना ही आसान है। आपका जो भी सपना आप चाहते हैं जस्ट पहल आप कर देंगे तो डेफिनेटली पूरा होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ अच्छा लगा, उसमें मज़ा आया। और अगर तो आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए जो सिर्फ परफेक्शन का वेट करते हैं। आपको पता है कि वो टैलेंटेड हैं लेकिन सिर्फ वो परफेक्शन का वेट कर रहे हैं, उन्हें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समरपाल को अपने अंदर आप जीवित कर लीजिए, मैं यही आशा करता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए, मैं और वीडियोज़ आपके साथ में लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक you.